हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर अल्कोहल फिनोल ईथर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन केस ऑफ फिनॉल। फिनॉल के केस में इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जो होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें हमने हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड ये वाली रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन हमने डिस्कस की थी। फर्दर हमें एग्जाम्पल 11.5 को डिस्कस किया था और अब हमें स्टार्ट करना था नेम रिएक्शन। जो हमारा फर्स्ट नेम रिएक्शन था दैट इज कोलबेस रिएक्शन। ये हमारा क्या है कोलबेस रिएक्शन, इसकी कुछ कंडीशंस होंगी, ठीक है, ये तभी रिएक्शन होगी। तो आइए देखते हैं कोलबेस रिएक्शन। फर्स्ट देखते हैं फिनोक्साइड एन इज जनरेटेड बाय ट्रीटिंग फिनॉल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड is even more reactive than phenol towards electrophilic aromatic substitution. Basically ये इसका मतलब है कि ये phenol है, ठीक। इस phenol की reaction जो है हम sodium hydroxide से कराते हैं। तो इसके पहले भी हमने reaction of phenol with sodium hydroxide देखा था, हमने जिसमें देखा था phenoxide बनेगा, ठीक है। ये OH जो है इस हाइड्रोजन को, मैंने आपको बताया था कि जो फिनॉल का जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है स्लाइटली, ठीक है। ये OH माइनस होता है और ये Na प्लस होता है। ये OH माइनस इस हाइड्रोजन को ले करके H2O फॉर्म में निकल जाता है और यहाँ पर O माइनस Na प्लस रहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट तो हमारा ये होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के केस में, ये जो फिनोक्साइड आयन है इसे हम फिनोक्साइड बोलेंगे। अब सिंस सोडियम प्रेजेंट है तो हम इसको सोडियम फिनोक्साइड बोलेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर सोडियम ना प्रेजेंट करते, सिर्फ ओ माइनस प्रेजेंट करते, तो ये हमारा फिनोक्साइड आयन हम इसको बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये जो फिनोक्साइड आयन बनना है दिस इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज कंपेयर टू फिनॉल, ठीक है। बात समझ में यही बात इसमें है। हेंस इट अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विथ कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी जो रिएक्शन है हम कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं दैट इज CO2, जो कि एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। और जो ऑब्टेन प्रोडक्ट होता है अभी के इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, यहाँ पर हमारा क्या हो एच और यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी ओ ओ एच। इसकी मैकेनिज्म हम अब डिस्कस करेंगे, दिस दैट इज मोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज फॉर्म्ड एट द मेन प्रोडक्ट, मतलब यही हमारा क्या होता है मेजर होता है, और इसको हम जो है सैलिसिलिक एसिड भी बोलते हैं। अगर आपको याद हो तो कुछ एक दो लेक्चर पहले जब हमने इस कंपाउंड की बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा रिएक्शन अभी आगे आगे आएगा जिसमें हम जो है सैलिसिलिक एसिड का प्रिपरेशन भी पढ़ेंगे, वो टाइम अब आ गया है, ठीक है। तो आइए इसके हम फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिज्म देखते हैं। तो मैं बुक की मैकेनिज्म ना बता कर मैं अपनी मैकेनिज्म जो मतलब इजी लैंग्वेज में जो मैकेनिज्म बताया जा सकता है उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आइए हम मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हमने देखा कि जो फिनॉल है इसकी रिएक्शन किसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, और जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है दैट इज सोडियम फिनोक्साइड है, सोडियम फिनोक्साइड प्लस वाटर ये हमें मिलता है। अब इस फिनोक्साइड आयन की हम क्या होते हैं, ये हमारा क्या है फिनोक्साइड आयन। अब इसको हम डबल बॉन्ड के फॉर्म में लिख लेते हैं, ये हमारा क्या है ओ माइनस, ठीक है। आप इस तरह से लिखें या फिर आप इस तरह से लिखें, ये दोनों क्या होंगे एक दूसरे के डेरिवेटिव स्ट्रक्चर्स हैं, या फिर आप इस तरह से बोथ आर सेम, ठीक है।
ये हमारा क्या फिनोक्साइड आयन है। तो हम इस वाले को कंसीडर करते हैं, हम जो है ये बार क्या होगा सोडियम फिनोक्साइड O माइनस एन प्लस, ठीक है। इसकी रिएक्शन जो है हम CO2 से कराएंगे और जो प्रोडक्ट होगा हमारा क्या होगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक कैसे भी हम इसको बोलते हैं, खैर हम इसकी क्या बोलते हैं, इसकी पहले हम एक रिलेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। जब आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो फिनोक्साइड आयन का आई थिंक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पहले ही बता चुका हूँ कि ओ एन ए प्लस को फिलहाल के लिए मैं ये कर देता हूँ। ठीक है, ये जो लोन पेयर होता है अपना लोन पेयर पाई में कन्वर्ट होता है और ये जो पाई है ये पाई बॉन्ड ये टूट कर ये लोन पेयर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या आता है डबल बॉन्ड आता है, ये दोनों पाई बॉन्ड हमारे सेम होते हैं और यहाँ पर एक लोन पेयर हमारा बन जाता है, ठीक है। अब जो है इलेक्ट्रोफाइल हमारा विच इज CO2, इस इलेक्ट्रोफाइल में ये बॉन्ड कुछ इस तरह से टूटता है, ठीक ना। आप अगर चाहें तो अपने कॉन्वीनियंट के लिए आप लिख सकते हैं कि ये जो है CO O माइनस और प्लस में टूटता है, जिधर एरो जाता है उधर माइनस आता है और जिधर टेल होता है वो पॉजिटिव एक्वायर करता है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है इस पोजीशन पर क्या करता है अटैक करता है, क्योंकि ये क्या इलेक्ट्रॉन रिच है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो जो प्रोडक्ट होती है हमारी कुछ इस तरह से फॉर्म होती है। यहाँ पर होता है डबल बॉन्ड O, यहाँ पर एक हाइड्रोजन तो होता ही है और जब ये इस पर अटैक करते हैं तो दोनों के चार्जेस हट जाते हैं, तो ये सी ओ एंड ओ माइनस, ये हर ओ माइनस हमें ये मिलता है, ठीक है। ये होता है हमारा इंटरमीडिएट, ये होता है हमारा क्या इंटरमीडिएट, ठीक है। अब फर्दर क्या होता है कि ये हाइड्रोजन जो है ये जो हाइड्रोजन की पेयर है ये टूट जाती है, जो ये टूट जाता है इसको क्या हो ये टूटता है, ठीक है, और ये पाई में कन्वर्ट होता है और ये जो पाई बॉन्ड है अगेन लोन पेयर में कन्वर्ट होता है, तो ये हमारा पाई बॉन्ड, ये हमारा पाई बॉन्ड, ठीक। ये आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। अब सिंस ये कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी ओवर टेल हेड आएगा और इसकी ओवर टेल आएगा, इस पर पॉजिटिव एक्वायर होगा इस पर नेगेटिव, ठीक है। अब ये बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड कुछ इस तरह से टूटेगा कि यहाँ पर पॉजिटिव एक्वायर हो यहाँ पर नेगेटिव, तो ये अपने लोन पेयर को अगेन अपने पास ले आया ऑक्सीजन, ठीक है। हेड इसके पास आया तो माइनस टेल इस पर, तो अब ये पॉजिटिव नेगेटिव मिले क्या कर लेंगे एक डबल बॉन्ड बना लेंगे, ठीक। और यहाँ पर ओ माइनस हो गया। अब जो यहाँ से H प्लस निकला है यहाँ वाला वही H प्लस इस O माइनस पर अटैक कर देता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या होता है COO माइनस अभी भी होता है, ठीक। तो जब यहाँ पर अटैक होती है तो ये तो हमारा अगेन फिनॉल का फिनॉल बन जाता है, ठीक ना। और यहाँ पर हमारा क्या होता है COO माइनस। अब इस CO माइनस के लिए हम एसिडिक H प्लस से हम क्या करते हैं प्रोटोनेट कर देते हैं, मतलब H प्लस जो होता है उससे ये जो COO माइनस है कार्बोक्सिलेट आयन है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और ये हमारा क्या बनता है प्रोडक्ट, और ये हमारा क्या होता है मेजर प्रोडक्ट।
एक माइनर प्रोडक्ट जो होता है उसका पैरा आइसोमर होता है। ठीक है, बात समझ में आई? बात समझ में आई तो इजी लैंग्वेज में इसको फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, हमने एक फिनॉल लिया। ये है हमारी फिनॉल। हमने इसकी रिएक्शन किससे कराई, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई। हमें बना फिनॉक्साइड आयन। ओ माइनस, ठीक हो गया। हमने इसी क्या बनाई, अब ये रेजोनेंस करेगा। हमने सिर्फ एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई, ऑल्दो इसके सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिया। ये जो है अपना लोन पेयर पाई में कन्वर्ट करता है और ये पाई लोन पेयर में, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। ये हमारा पाई का पाई बॉन्ड ही रहता है और यहाँ पर एक लोन पेयर बन जाता है। ठीक, अब जो है हमारा CO2 इलेक्ट्रोफाइल की एंट्री होती है। ये बॉन्ड इस तरह से टूटता है और ये कार्बन इस वाले पर जाकर ऐड हो जाता है। उसके बाद जो है हमारा पाई, यह है डबल बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन तो हमारा होता ही है, ये पहले से भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऐसा नहीं कि हमने अभी ऐड कर दिया। बेंजीन में हर एक कार्बन पर एक हाइड्रोजन होता है, आपको पता हो, हर एक कार्बन पर हाइड्रोजन होता है, तो वही वाला हाइड्रोजन है ये। और ये सी ओ ओ माइनस बना। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन का जो ये पेयर है ये पाई में कन्वर्ट होता है और यही ये पाई लोन पेयर में, और यही हाइड्रोजन जो है यहाँ पर आकर लग जाता है इस वाले ऑक्सीजन का। तो जो प्रोडक्ट हमें मिलती है वो होती है कुछ इस तरह से कि ये तो फिनॉल कम्प्लीटली बन गया और यहाँ पर सी ओ ओ माइनस है। फर्दर हम इसे क्या करते हैं, एच प्लस से प्रोटोनेट कर देते हैं और हमें अपना सैलिसिलिक एसिड मिल जाता है। ये हमारा ओ एच हो गया और ये C डबल बॉन्ड ओ एच। ये क्या होगा, इसको ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी बोलते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये ओ है, दिस इज ओ, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये तो हुई किसकी, ये तो मेजर प्रोडक्ट हमारा बना। अब माइनर कैसे बनेगा उसको भी हम देखते हैं। तो जब हम रेजोनेंस करा रहे थे, हमने जब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई फिनॉक्साइड आयन की, तो ये लोन पेयर गया पाई में, पाई गया लोन पेयर। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ आया और ये तो हमारा लोन पेयर है। जब इस लोन पेयर पर अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, जब इस लोन पेयर पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तब तो हमें क्या मिलता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसे हम सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अब फर्दर ये रेजोनेंस होती है क्योंकि रेजोनेंस तो पूरी बेंजीन रिंग में होगी, तो ये लोन पेयर पाई में कन्वर्ट होता है और ये पाई लोन पेयर में। तो फर्दर हमें अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो मिलता है वो कुछ इस तरह का मिलता है कि अब यहाँ पर हमारा लोन पेयर आ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो। ठीक है, अब यहाँ पर एंट्री होती है हमारे अगेन CO2 की। एक बार यहाँ पर एंट्री हो गई, अब जहाँ जहाँ माइनस आएगा वहीं पर अटैक होगा ना। अब जब यहाँ पर इसकी एंट्री होगी तो अगेन ये पाई ऑक्सीजन की ओर जाएगा और ये जब इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बनेगा तो ये इस पर अटैक कर देगा। तो ये हमारा डबल बॉन्ड ओ है, ये हमारा पाई है और ये पाई है। ठीक, यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन पहले से था और ये सी ओ ओ माइनस अभी आया। ठीक, अब अगेन ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पर पाई में कन्वर्ट होता है, ये पाई लोन पेयर में कन्वर्ट होती है।
कैसे ये मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये मेरा क्या हाइड्रोजन है। अब ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है ये टूटेगा, ठीक है, ये टूटेगा। सिंस ये कार्बन मोर नेगेटिव है, इलेक्ट्रो नेगेटिव, तो इसके पास क्या है माइनस। अब ये पाई बॉन्ड कुछ इस तरह से टूटेगा कि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस, तभी इन दोनों बीच में क्या होगा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनता है हमारा वो होता है कुछ इस तरह से कि अब यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव मिल गया, डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पर लोन पेयर, और यहाँ से जो एच प्लस निकला वो फ्रीली है, अभी फ्री घूम रहा है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड ओ। फिर ये हमारा लोन पेयर पाई में कन्वर्ट होता है, ये पाई लोन पेयर में कन्वर्ट होता है, और जैसे ही कन्वर्ट होता है ये एच प्लस इस पर अटैक कर देगा। यूं समझ लीजिए इसीलिए बैठा ही होता है कि जैसे ही ये फिनोक्साइड आयन बने तुरंत ये इस पर अटैक कर दे, तो जो हमारा अगेन फिनॉल बन के कंप्लीट तैयार हो जाता है, और पैरा पोजिशन पर इसके हमारा सी ओ ओ माइनस होता है। फिर जब हम एच प्लस से प्रोटोनेट करते हैं, अगर आपको प्रोटोनेशन के बारे में कुछ नहीं गिवन है तो आप एच प्लस मानेंगे, और अगर हाइड्रोजन कोई और आइसोटोप्स हैं तो आप उसको कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर ओ एच था और जब ये प्रोटोनेट हो गया तो ये हमारा सी डबल वन ओ एच मिल गया। बात समझ में आई। तो ये हमारी जो होती है ये होती है पैरा हाइड्रोक्सी, इसको हम बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। बात समझ में आई कब ऑर्थो एंड कब पैरा बनता है, और मेजर जो बनता है वो हमारा ऑर्थो बनता है। आपको बाई चांस एग्जाम में आता है तो आप दोनों ही बना सकते हैं, दोनों बना देंगे तो 110% एक्यूरेट हो जाएगा, एक भी बनाएंगे तो भी कोई टीचर नंबर नहीं काटने वाला, ठीक है। लेकिन अगर आपको आता है तो आप दोनों ही बना दे तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपकी जो है कैपेबिलिटी बढ़ेगी। अब जो इम्पोर्टेंट नोट है टू बी नोट डाउन वो ये है कि ये फिनॉल है, इसकी रिएक्शन हम सोडियम फर्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, सेकेंड हम CO2 से कराते हैं, और फाइनली हम इसको क्या कहते हैं प्रोटोनेट करते हैं, ठीक। तो जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो हमें क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट हमें साफ लिखेंगे तो वो प्रोडक्ट हमारा होता है सैलिसिलिक एसिड। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने मैकेनिज्म में सीखा है वो ये कि ये वाले जो हाइड्रोजन एटम आई है वो यहाँ वाली हाइड्रोजन एटम है, ठीक, और जो ये वाली हाइड्रोजन आई है वो फ्रॉम सॉल्यूशन आया है, जो H+ है उस यहाँ से प्रोटोनेशन हो रहा है वो वहां से आ रहा है, ठीक है ना। अभी मैं आइसोटोपिक इफेक्ट के बेसिस से कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर योर मैकेनिज्म, बिना मैकेनिज्म के आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। जब मैकेनिज्म याद है तो आप विद मैकेनिज्म कर लेंगे, और जब मैकेनिज्म नहीं याद है तो आप इस ट्रिक को याद रखें टू गेट योर प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब चूंकि इसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन था, यहाँ पर भी एच प्लस था, तो आपको प्रोडक्ट कॉमन है, कोई बड़ी बात नहीं। अब मान लीजिए कि आपका जो क्वेश्चन आ जाए वो इस तरह का न देकर कुछ आइसोटोप्स का उसमें लफड़ा दे दे, फॉर एग्जाम्पल ये बेंजीन रिंग है और ये फिनॉल है, ये हमारा फिनॉल बन गया, मान लीजिए कि यहाँ पर ड्यूटेरियम दे दे, ठीक है, बाकी सारे जगहों पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर ड्यूटेरियम है, और अब आपका प्रोडक्ट बनाना है, फर्स्ट रिएक्शन है आपकी सोडियम हाइड्रोक्साइड से आप ट्रीट करते हैं, फिर आप CO2 से ट्रीट करते हैं, एंड फाइनली आप H+ से प्रोटोनेट कर देते हैं। अब आपको प्रोडक्ट बताना है कि क्या बनेगा, तो इसमें बहुत सारे लोग जो हैं गलतियां करते हैं, ठीक है, वो ये सोचते हैं कि यहाँ पर ड्यूटेरियम है, यहाँ पर ड्यूटेरियम है,
और CO2 तो भी यहीं पर जाके लग रहा है, मतलब ये ड्यूटेरियम को ये सब्स्टिट्यूट कर ये ड्यूटेरियम इस पर आके लग जाएगा। बट ऐसा नहीं होता, आपने मैकेनिज्म अभी अभी देखा है, आपका जो प्रोडक्ट मिलता है वो कुछ इस तरह का होता है, आपको पता है कि ये वाले ड्यूटेरियम अब OH पर जाकर ऑक्सीजन पर जाकर लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको मिलता है OD मिलता है, यहाँ पर COO माइनस जो बनता है, और यहाँ पर H प्लस जो सॉल्यूशन में है उससे यहाँ पर प्रोटोनेशन होता है, ये आपको प्रोडक्ट मिलता है। ये जो होती है आइसोटोप्स के, ये इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं वो बेसिकली आप मैकेनिज्म को चेक करने के लिए आते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन को आपने मैकेनिज्म नहीं दिया, ठीक है, फिर भी वो टीचर चाहता है, वो चाहते हैं कि वो जो है आपकी मैकेनिज्म की, आपको मैकेनिज्म आता है कि इस बात को चेक करना, ठीक है। इन दैट केसेस इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं। वेल एनसीईआरटी में अगर देखा जाए तो इस तरह क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को अगर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस ना भी करें तो दो तीन क्वेश्चन भी अगर प्रैक्टिस करें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब एक काम करता हूं, मैं आपको विद मैकेनिज्म इसको सॉल्व करके दिखाता हूं, ठीक है, ताकि आपको भी लगे कि मैंने जो शॉर्ट ट्रिक बताई है ये कोई गलत नहीं, ठीक है। आइए देखते हैं, ये हमारा क्या है फिनॉल, और यहाँ पर हाइड्रोजन की बजाय क्या है ड्यूटेरियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड से फर्स्टली हम क्या करेंगे ट्रीट करेंगे, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी सोडियम फिनॉक्साइड। यहाँ पे अगेन ड्यूटेरियम, ये ड्यूटेरियम और ये O माइनस, ठीक है, प्लस हमारा एक H2O निकल जाएगा। ये क्या हुआ हमारा H2O निकल गया, ठीक। अब इसकी रेजोनेंस होगी, ये पाई जो है लोन पेयर में, सॉरी लोन पेयर जो है पाई में कन्वर्ट करेगा, यहाँ पर क्या है लोन पेयर है, लोन पेयर पाई में और ये पाई लोन पेयर में, तो ये होगा आपका यहाँ पर क्या होगा ड्यूटेरियम, यहाँ पर अभी भी आपका ड्यूटेरियम प्रेजेंट है और यहाँ पर इस कार्बन पर लोन पेयर भी आ गया क्योंकि ये पाई जो है लोन पेयर में कन्वर्ट हुआ, ये डबल बॉन्ड ओ है, ठीक है। फर्दर देखते हैं, फर्दर जो प्रोडक्ट हमारा होगा वो क्या होगा, अब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा जो कि हमारा क्या है CO2, ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये इस पर जाके लग जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या है ड्यूटेरियम, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है और यहाँ पर है हमारा क्या है ड्यूटेरियम, यहाँ पर COO माइनस आकर लग गया, ये अभी भी डबल बॉन्ड O है। अब अगेन ये जो ड्यूटेरियम और कार्बन का जो बॉन्ड है वो क्या होगा ब्रेक होगा, ठीक है, इस पर निगेटिव चार्ज आएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये जो पाई है लोन पेयर में कन्वर्ट होगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा और ये D प्लस इसी पर आके तुरंत अटैक कर देगा, तो फाइनली जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा दैट विल बी दिस, ये आपको क्या हुआ OD बन गया, ये ड्यूटेरियम हो गया, ये COO माइनस हो गया, आप फिर और H प्लस सॉल्यूशन दिया हुआ है तो H प्लस से इसको प्रोटोनेट कर देंगे, ये माइनस चार्ज इससे यहाँ से हट जाएगा। एग्जैक्टली यही प्रोडक्ट मैंने बनाया है, यहाँ पर ड्यूटेरियम छोड़ गया है, इसको आप बना रहे हैं, मतलब विद मैकेनिज्म करें तो भी यही प्रोडक्ट आएगा, अगर आप इसको याद रख सके तो आपके लिए बड़ा ही आसान कर देगा आंसर को सॉल्व करना। एक और क्वेश्चन मैं करा देता हूँ इसकी बेसिस पर, ठीक है, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट रिएक्शन जो रैमर टैमन रिएक्शन उसके ऊपर चलेंगे। जो नेक्स्ट है हमारा वो है फिनॉल
ठीक है, हमने इसकी जो रिएक्शन है फर्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई, सेकेंड CO2 से कराया, एंड थर्ड मान लीजिए D+ से कराया। ठीक, ये आपका एक रिएक्शन हो गया। और दूसरा जो है वो है कि ये है आपका फिनॉल, फर्स्ट आपको इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करना है, सेकेंड अगेन CO2 से करना है, एंड थर्ड जो है यहाँ पर मान लीजिए इन दोनों केसेस में ड्यूटेरियम है, ठीक है, और अगेन आपको D+ से ही इसको प्रोटोनेट करना है। अब आपको बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, बताइए जल्दी जल्दी बताइए। आइए मैं बताता हूँ, सिंस यहाँ पर जो है हाइड्रोजन वही इस ऑक्सीजन पर जाकर लगेगा, ठीक है, तो आप बाकी चीज़ों के एजेटिव सेम रखें, यहाँ पर हाइड्रोजन है तो वहाँ पर हाइड्रोजन लगा दें, ये वाली हाइड्रोजन जो है इसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है, ये वाली हाइड्रोजन अब यहाँ पर नहीं रह जाएगी। अब यहाँ पर क्या आया, COO- आता है, और सिंस D+ से हम प्रोटोनेट कर रहे हैं तो यहाँ पर H ना आकर यहाँ पर क्या होगा, D हो, ये हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। बात समझ में आ गई, अब इसकी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, इसकी जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो ये अब यहाँ वाला कार्बन का जो है ड्यूटेरियम इसको क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, तो यहाँ पर OD हो जाएगा, यहाँ पर COO। अब सिंस हमने H+ से प्रोटोनेट किया है, D+ से किया है, तो यहाँ क्या आ गया, D है, ये आपका इसमें प्रोडक्ट बन गया। बात समझ में आ गई है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, ये हो गई हमारी बात किसकी, कोल्बे रिएक्शन, और यही सारी चीजें हैं, मैंने विद मैकेनिज्म आपको सब कुछ समझा रखा है, ठीक है, आपको आइसोटोप्स का केसेस भी आए हैं तो भी आप बना सकते हैं, और आप केसेस में मान लीजिए ये भी कहना कह रहे कि आपको पैरा वाला प्रोडक्ट बताना है तो आप उसको भी बताने के लिए एलिजिबल हैं आप, ठीक है, वेरी गुड। तो अपने नेक्स्ट रिएक्शन नेम रिएक्शन पे हम चलते हैं, विच इज रेमर टैमन रिएक्शन, ये भी बड़ा ही फेमस रिएक्शन है, ऑलमोस्ट हर साल इससे क्वेश्चन आते हैं। जो नेम रिएक्शन जो होती है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है, तो आइए देखते हैं रेमर टैमन रिएक्शन कैसे होगा, इसकी भी हम मैकेनिज्म वगैरह देखेंगे, इसमें भी हम आइसोटोप्स बेसिस के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो आइए देखते हैं। बिफोर दैट हम इसको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रीड कर देते हैं, ऑन ट्रीटिंग फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है भाई, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगेन हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होगा, अ CHO ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड एट ऑर्थो पोजीशन ऑफ बेंजीन रिंग, मतलब जो अभी हम सी डबल बॉन्ड को OH लगा रहे थे, वैसे जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो हम बेसिकली लगा रहे थे वो अब क्या होगा, एल्डिहाइड हो जाएगा। अब इस बात को ध्यान दें कि जब हम कोल्बे रिएक्शन पढ़ रहे थे उसमें हमने NaOH सबसे पहले यूज किया था, एंड इन दिस केस हम सबसे पहले NaOH यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम क्यों नहीं कर रहे हैं इसकी बात को हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है, फिलहाल के लिए एक जो NCERT के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट है उसमें मैं बना देता हूँ कि ये OH है, और यहाँ पर आपका एक एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा CHO, समझ में आ गया। अब उसको हम सैलिसिलिक एसिड बोलते थे क्योंकि वहाँ पर एसिडिक ग्रुप था, यहाँ क्या था सी डबल बॉन्ड को OH था, बट इन दिस केस क्या है एल्डिहाइड है, तो इसको हम क्या बोलते हैं सैलिसिलिडिहाइड, SALICYALDEHYDE। अब अपना देख लीजिए इसकी स्पेलिंग कौन सी, ठीक है,
जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मैकेनिज्म, उसको हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस अभी करेंगे। आइए देखते हैं। इसकी हम मैकेनिज्म की बात करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें एक सिंपल सा ही अपना अगेन एक फिनॉल लेना है। ये मर क्या है, फिनॉल। ठीक, इसकी हम रिएक्शन किसे करा रहे हैं, CHCl3 क्लोरोफॉर्म से इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गेट द मेजर प्रोडक्ट सैलिसिलडिहाइड। यहाँ पर क्या होगा, CH। ठीक है, अब ये होता कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि अब उसमें हम देख रहे थे कि इलेक्ट्रोफाइल जो था हमारा वो कौन था, वो था CO2। अगर आपसे पूछा जाए कि कोलबेस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल क्या था, तो इलेक्ट्रोफाइल आप CO2 बोलेंगे क्योंकि वही अटैक कर रहा था। ठीक है, इन दिस केस फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना होगा कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है। ठीक है, तो ये जो क्लोरोफॉर्म है ये कुछ इस तरह के है, हाइड्रोजन प्लस हमने क्या रखा है, हमने रखा है उसी सॉल्यूशन में बेस ले रखा है। अब ये OH माइनस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो इस पर लोन पे आ जाएगा, H प्लस यहाँ से निकल जाएगा और H2O बना लेगा। ये हमारा बन गया H2O, ये हो गया हमारा Cl, Cl एंड C। अब इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया जो कि इसको अनस्टेबल बनाता है। ठीक है, अब ये क्या करता है कि अब ये क्लोरीन सिंस इससे कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 2.5, और इसकी आई थिंक 3.5 होता है, 3.5 या 3.0 जो भी होता है, होता क्लोरीन से ज़्यादा ही है। ठीक है, इसको मेरे हिसाब से तो ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर निकल जाता है, कोई भी एक क्लोरीन। ठीक है, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन पेयर को जो है निकल लेता है और यहाँ पे फर्दर पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो जाते हैं, और ये जो बनता है CCl2, इसे हम बोलते हैं डाई क्लोरो कार्बीन, और यही हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है इन केस ऑफ रैमर-टैमर रिएक्शन। यही है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल हमेशा चार्ज हो ऐसा जरूरी नहीं है। अभी आपने देखा कि CCl CO2 एक इलेक्ट्रोफाइल था, अब यहाँ पे कार्बीन है, डाइक्लोरोकार्बीन, यहाँ पर ये है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। हमने पता लगा लिया कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल हमें हमारा मिल गया। जब तक इलेक्ट्रोफाइल है हमें अटैक कराना है ना बेंजीन रिंग पर, जब तक पता ही नहीं होगा कि किसका अटैक होगा, हम कैसे उसके आंसर कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो हमें पता चल गया कि जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या है, डाइक्लोरोकार्बीन है, CCl2, और कार्बन पर जो है एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, ये हमारा क्या इलेक्ट्रोफाइल। अब आइए हम अगेन बेंजीन रिंग पर चलते हैं, अगेन हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके फिनॉक्साइड आयन बना लिया है। ये फिनॉक्साइड आयन हो गया, अगेन इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, लोन पेयर कन्वर्टेड इनटू पाई, पाई कन्वर्टेड इनटू लोन पेयर। यहाँ पर हमारा क्या आ गया, लोन पेयर आ गया, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। अब जो है हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रोफाइल की एंट्री होगी। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल की क्या होगी, एंट्री होगी। अब जो ये लोन पेयर है ये इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा,
अब ये जो है लोन पेयर, इसके पर क्या करता है, अटैक करता है। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट हमारा बनता है वो हमारा प्रोडक्ट कुछ इस तरह का होता है कि ये डबल बॉन्ड ओ है। अब यहां पर क्या है, सी सी एल टू माइनस, यहां पर इन दिस केस जो होता है डोनर एटम ये कार्बन होता है, सॉरी ये हमारा डोनर है ना, ये जो है इस पर अटैक करता है। ठीक है, फर्स्ट वाला ही सही था। और ये हमारा कुछ इस तरह का बनता है, यहां पर क्या है हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, अब क्या होता है, अब क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है हमारा, इन दिस केस ये हाइड्रोजन हमारा यहीं पर लोन पेयर, ये पाई बॉन्ड है, जैसा हमने कोविड एक में पढ़ा था, ये पाई बॉन्ड जो है इसमें पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, और ये जो है सॉरी सिग्मा बॉन्ड जो है ये पाई में कन्वर्ट होता है, और ये पाई लोन पेयर में। ठीक है, कुछ इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, ओ माइनस। बट अगर आप ध्यान से देखें तो इन दैट केस यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलता था वो इस फिनोक्साइड पर जाकर अटैक करता था, बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर H+ को यहाँ पर ऐड होने के लिए यहाँ पर खुद ही एक माइनस चार्ज मिल गया जस्ट इसी कार्बन पर, तो ये जो है ये इसी वाले कार्बन पर जाकर क्या होता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, अब फर्दर जो हमारे पास है OH-, ये सी वो क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये हमारा ओ माइनस, ये सी एच। अब दो सी एल हैं तो दोनों को सब्स्टिट्यूट करेंगे, दो ओ एच आएगा। अब जैसा मैंने आपको ऑक्सीडेशन बताया था कि एक ही कार्बन पर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अनस्टेबल होते हैं, तो ये हमारा क्या हुआ ओ माइनस, और ये हमारा क्या हुआ एल डी हाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करें, माइनस एच टू, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा क्योंकि एक कार्बन पर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अनस्टेबल, यहाँ पर सी ओ और एच ये बना। ठीक है, और जब आप एच प्लस जो आपको सॉल्यूशन में होगा प्रोटोनेशन के लिए एच प्लस, वो एच प्लस अब यहाँ पर ऑक्सीजन पर जाकर ऐड होता है। यहाँ पर फिनॉल है, इसके ऑर्थो पोजीशन पर हमारा सी एच। ये होती है मैकेनिज्म ऑफ रेमर-टेमर रिएक्शन। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि जैसा हमने कोलविज रिएक्शन में देखा था, इन दिस केस उसका अपोजिट हो रहा है, यहाँ वाला हाइड्रोजन इसी फंक्शनल ग्रुप में जाकर ऐड हो रहा है, इन जो पिछला केस था कोलविज रिएक्शन का, यहाँ वाला हाइड्रोजन इस ओ माइनस पर जाकर अटैक कर रहा था। अब सिंस यहाँ पर ओ माइनस है, मतलब यहीं पर हमारा क्या है CCl2- है, तो ये इसी पर जाकर अटैक कर देता है, ये वाली हाइड्रोजन जो है निकल कर ये इसी पर जाकर अटैक कर देती है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट बनता है, मैकेनिज्म कुछ इस तरह से होती है। तो ये देखते हैं अब हम क्या करते हैं, एक बड़ा ही एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। ये फिनॉल है हमारा, और हमने जो है क्लोरोफॉर्म ले रखा है CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर हमने मान लीजिए एच प्लस से प्रोटोनेट करा रखा है। तो अब हमने पता चल गया कि जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो सैलिसल डिहाइड होगा, यहाँ पर OH होगा और यहाँ पर CHO होगा। जब सभी हाइड्रोजन हाइड्रोजन होंगे तब तो ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, ये हमारा सैलिसल डिहाइड हो जाएगा। इसका पैरा आइसोमर का जो मैकेनिज्म है वो आप अपने से बने, एग्जैक्टली सेम होगा कोल्ड रिएक्शन की तरह, जैसे जैसे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ है इसमें वैसे ही आप सब करें, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा।
ठीक है। अब हम इसमें एंट्री कराते हैं कि इसका आइसोटोप्स का, लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहां पर OH, यह ड्यूटेरियम ठीक है, प्लस CHCl3 एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इस बार हम H प्लस से क्या कर रहे हैं, प्रोटोनेट, अब आपको क्या था बताना है प्रोडक्ट क्या होगा। एक ये हो गया, इसने आप प्रोडक्ट बनाया अपने से, अब हमने क्या किया, अगेन ये हमने फिनॉल ले, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, प्लस अगेन CHCl3 दैट इज क्लोरोफॉर्म, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, डी प्लस, प्रोडक्ट बताना है। एंड थर्ड है हमारा OH, ड्यूटेरियम एंड ड्यूटेरियम, CHCl3, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड इन दिस केस आपको जो प्रोटोनेशन है वो भी हम डी प्लस से करा रहे हैं। आपको प्रोडक्ट बताना है हर एक केस। आइए देख लो, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोटोनेशन इन दिस केस जो होता है वो एकदम लास्ट स्टेप में होता है, O माइनस की प्रोटोनेशन, मतलब ये जो होता है यहाँ वाला एटम, अदर वो हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, या ट्रिटियम हो सकता है, यहाँ पर ट्रिटियम भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1H2 एंड 1H3, ठीक है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, हमने सिर्फ यहाँ पर ड्यूटेरियम का माना है। तो ये जो ड्यूटेरियम होता है इसी एल्डिहाइड ग्रुप में ये ऐड होता है, CO और D बनता है, और यहाँ पर जो O माइनस के साथ जो आता है वो हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन से आता है, विच इज OH, यहाँ पर H प्लस है तो यहाँ पर OH होगा, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट का प्रोडक्ट बनेगा। आपको मैकेनिज्म से बनाना है तो आप मैकेनिज्म से भी अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिंस हाइड्रोजन है तो आपको प्रोडक्ट में भी आपको हाइड्रोजन मिलेगा, यही एल्डिहाइड में COH होगा, और सिंस प्रोटोनेशन D प्लस से करा रहे हैं तो यहाँ पर OD मिलेगा, ठीक। एंड जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि यहाँ पर क्या है, ड्यूटेरियम, एंड यहाँ पर सिंस है ड्यूटेरियम तो ये भी हमें क्या मिलेगा, COD मिलेगा, ठीक है। और ये जो प्रोटोनेशन होगा O माइनस का, जो हम फिनोक्साइड बनाए थे वो प्रोटोनेशन होगा, सॉल्यूशन से D प्लस आ रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, OD होगा। तो ये हो गए हमारे प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन दिस, ये जो तीन क्वेश्चन थे ये बेस्ड ऑन मैकेनिज्म थे। आप डायरेक्ट अगर उनको याद रखें कि कब कहाँ एडिशन हो रहा है तो और अच्छा बात है, अगर आप मैकेनिज्म याद रखें तो सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि उसमें भूलने वाली कोई बात नहीं है, आप एक एक स्टेप करते हैं तो आपको वो अच्छे से याद रहता है, ठीक है। तो ये थी हमारी दो रिएक्शन, कोलवेस रिएक्शन एंड रेमर-टेमन रिएक्शन, ठीक है। अब देखते हैं रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ जिंक डस्ट, तो जैसा कि आपको देख रहा होगा अगर हम फिनॉल की रिएक्शन जिंक डस्ट से कराएं, अगर आप इस फिनॉल की रिएक्शन जिंक डस्ट से कराएं तो जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है वो होता है बेंजीन, मतलब
ये सीधा सीधा OH को ही गायब कर देता है। ये डायरेक्टली क्या होता है, बेंजीन में कन्वर्ट कर देता है, प्लस जिंक ऑक्साइड जो एक मेटल ऑक्साइड है वो हमारा बनता है। ठीक है, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। जो नेक्स्ट है हमारा वो ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल है। अगर आप फिनॉल की जो है ऑक्सीडेशन कराएं विद सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा बेंजो फिनॉल होता है। ये क्या होता है, बेंजो पिनॉन, यहाँ पर ये ठीक है। और तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर इस चैप्टर में कुछ है तो वो थी वो दोनों नेम रिएक्शंस, एंड आगे भी दो रिएक्शंस आएंगे, दो तीन रिएक्शंस, विलियमसन सिंथेसिस एंड रिएक्शंस ऑफ ईथर विद हाइड्रोजन आयोडाइड HI के साथ रिएक्शंस होती हैं, वो थोड़ी इम्पोर्टेंट होती है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता। ठीक है, हाँ लेकिन पढ़ना जरूरी है, अगर आ गया तो मान लीजिए कभी कभी आप ही के टाइम में कभी कभी हो गया तो आपको आना चाहिए। अब हम इंडेक्स क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 11.6 गिव स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोडक्ट यू वुड एक्सपेक्ट व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स रिएक्ट्स विद HCl ZnCl2 HCl plus ZnCl2। तो क्या बोलते हैं, अभी नेक्स्ट लेक्चर पीछे लेक्चर में बताया था, पीछे लेक्चर में बता रहा हूँ। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं, अगर आपको याद होगा। टर्मिडिटी 3 डिग्री के लिए इमीडिएटली फॉर्म होता है, सेकेंड डिग्री के विद इन मिनट्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, और प्राइमरी हो तो काफ़ी टाइम लगता है, आवर्स में टाइम लगते हैं, 200 टर्मिडिटी। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा रिएजेंट था। अब फर्दर क्या है, HBr से जो हम रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन में देखे हैं कई बार हमने किया है, और ये हमारा क्या थायोनिल क्लोराइड, इसकी भी रिएक्शन हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हेलो एल्केन्स एंड हेलो एलिन्स में पढ़ा है। तो फर्स्ट हम देखते हैं ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्शन, ब्यूटेनॉल। ये हमारा क्या ब्यूटेनॉल, हमने इसकी रिएक्शन जो है ZnCl2 प्लस HCl ल्यूकास रिएजेंट से करा है। ये क्या है, प्राइमरी एल्कोहल है, हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो होता है CH2ClOH, जो है Cl को सब्स्टिट्यूट कर देता है, सॉरी Cl जो है OH को सब्स्टिट्यूट कर देता है ये प्रोडक्ट हमारा। और दो हमें ये काफ़ी टाइम में टर्मिनिटी मिलती है, रिएक्शन होती है, काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस होता है, बट प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, यही मिलता है। ठीक है, जो नेक्स्ट है हमारा, इसी की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, HBr से, तीन तीन रिएजेंट से कराना है ना, हम इसी रिएक्शन कैसे कर रहे हैं, HBr से, तो ये H प्लस Br माइनस OH को सब्स्टिट्यूट करेगा, क्या बनाएगा, कार्बोकैटायन CH2 प्लस, फिर Br माइनस इस पर अटैक करेगा, तो आपको कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, CH2 Br। ठीक है, हमें क्या मिलता है, हेलो एल्केन मिला। अगर आप इस रिएक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन करा सकते हैं, जो हमने प्रीवियस पढ़े थे, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन करा सकते हैं, या फिर आप जो है एलिमिनेशन रिएक्शन करा सकते हैं। आप फर्दर इसकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा सकते हैं OH माइनस से, ठीक है, या फिर आप इसी की रिएक्शन CH3OH से करा सकते हैं, तो आपको करिस्पॉन्डिंग ईथर मिलेगा एज ए प्रोडक्ट। बहुत सारे रिएक्शन है आप जिसको मैंने आपको पढ़ा रखा है, आप चाहें तो एक ही करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और थायोनिल क्लोराइड की अगर मैं बात करूँ,
हाइड्रोनियम क्लोराइड जो है अगेन जेनियन सीएल टू एंड सीएल एचसीएल से जो प्रोडक्ट हमें मिला था वही हमें मिलेगा एसओसीएल टू हाइड्रोनियम क्लोराइड एसएनआई हमें पढ़ा था, इसमें एसएन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा था हमने, तो हमें क्या मिलता है सी एच टू सी एल प्रोडक्ट हमें यही मिलता है। ठीक है, अब सेकेंड कंपाउंड लेते हैं टू मिथाइल ब्यूटेन डुओल। टू मिथाइल ब्यूटेन डुओल है ना, एक मिनट इसको मैं हमारा क्या है ब्यूटेन है इसी पर क्या है ओएल ओएच है और सी एस थ्री बेसिकली जो है थ्री डिग्री है टर्शियरी अल्कोहल है ये हमारा। तो जब आप इसकी रिएक्शन लुकास रिएजेंट से कराएंगे ZnCl2 plus HCl से तो आपको इमीडिएटली क्या हुई टर्बिडिटी प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, ये हमारा सी एस थ्री होगा और ये हमारा क्या होगा Cl सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और यहाँ पर हमारा सी एस थ्री रहेगा। ठीक है, ये रिएक्शन प्रोडक्ट में बनेगा जब हम इसकी रिएक्शन किससे कराएं लुकास रिएजेंट। अब फिर जब एच बी आर से प्रोडक्ट बनाएंगे तो एच बी आर के केस में क्या होगा अगेन सब्स्टिट्यूशन होगा ओ एच और सी एस थ्री है। आप एच बी आर एच बी आर से रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट आपको मिलेगा दैट विल बी हेलो एल्केन। सिमिलरली जब इसकी रिएक्शन आप थायोनिल क्लोराइड से कराएंगे एसओसीएल टू से तो जो प्रोडक्ट होगा दैट वी ऑल्सो हेलो एल्केन वो क्या होगा सीएल सब्स्टिट्यूट रहेगा इन दिस केस बीआर और लुकास रिएजेंट के टेस्ट में भी यही सीएल सब्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, तो ये था हमारा 11.6। अब जो नेक्स्ट हमारा प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ वन मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। वन मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल मतलब इसी पर OH भी है और CH3 भी है। इसका हमें क्या करना है हमें करना है कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन मतलब H+ से आप रिएक्शन कराना है। ठीक है, H+ से आप जब प्रोटोनेशन कराएंगे इसके पास लोन पेयर है तो जो आपको मिलेगा वो CH3 होगा और ये प्रोटोनेट हो जाएगा OH और आपको H2O+ मिलेगा। अब सीन सी अनस्टेबल है अपने बॉन्ड पेयर को लेके निकल जाएगा और यहाँ पर क्या होगा कार्बोकैटायन जनरेट होगा सी एस थ्री। अब इस कार्बोकैटायन पर दो ऑप्शन है, या तो यहाँ के एक हाइड्रोजन को लेकर के डबल बॉन्ड बना ले या तो इसके एक हाइड्रोजन को लेकर डबल बॉन्ड बना ले, हम दोनों प्रोडक्ट बनाते हैं। जब इन दोनों में से किसी एक को लेकर जाएगा तो सिमिलर प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट हमें मिलेगा सी एस थ्री प्लस। जब सी एस थ्री में से हाइड्रोजन लेगा तो आपको प्रोडक्ट डबल बॉन्ड सी एस टू ये मिलेगा। अब आप अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर ले, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा वही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो इसके केस में अगर हम बात करें तो ये हमारा अल्फा कार्बन है, ये हमारा अल्फा कार्बन है और ये हमारा अल्फा कार्बन है, तो दो हाइड्रोजन यहाँ है दो यहाँ है एंड तीन यहाँ है मतलब सेवन अल्फा हाइड्रोजन है। बट इन दिस केस दो यहाँ पर है, ये एक अल्फा कार्बन है ये एक अल्फा कार्बन और कोई अल्फा कार्बन तो है नहीं, मतलब दो और दो चार हैं सिर्फ, तो स्टेबल कौन सा है ये वाला प्रोडक्ट है, तो यही हमारा क्या होगा मेजर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रोडक्ट इसका बनेगा वन मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल का। हम नेक्स्ट की बात करें ब्यूटेनॉल का, ब्यूटेनॉल सी एच टू ओ एच अगेन आप एच प्लस से प्रोटोनेशन कराएंगे एच टू ओ बाहर निकलेगा आपको कार्बोकैटायन मिलेगा। अब इसके पास दो तरह के हाइड्रोजन है ही नहीं, एक ही है, यहां से ही ये सिर्फ हाइड्रोजन ले सकता है
यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा और हमें ये वाली एल्कीन मिलेगी। सिंस एक ही प्रोडक्ट है तो इसको आप मेजर कहें चाहे जो कहें, 100% यही एक प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट। अब जो 11.8 है, 11.7 हो गया, 11.8 है, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल्स आर मोर एसिडिक देन फिनोल, ड्रा द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ द करेस्पॉन्डिंग फिनोक्साइड आयंस। ये ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल्स आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल्स देन फिनोल्स, ये इसलिए है क्यों, क्योंकि आप अगर फिनॉल की बात करें, ये OH है, हमने वो टेबल आपको याद हो तो उस टेबल में डिस्कशन किया था, ये हमारा क्या है नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और ये हमारा क्या है पैरा नाइट्रोफिनॉल। इसकी जो हमने टेबल डिस्कशन की थी, पूरी की पूरी टेबल ही हमने क्या किया था, डिस्कशन किया था। अगर मैं प्रीवियस पेजेस पर जाऊँ एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स में ही हमने डिस्कशन किया था ना, कहाँ गया, अच्छा ये रहा देखिए, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल एंड फिनॉल, इन सभी की और पी के ए वैल्यू को हम किस तरह से एसिडिटी से कंपेयर करते हैं, इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कशन किया था उस टाइम, ठीक है। तो आप अपने नोट्स बनाए होंगे तो आपको अपने नोट्स में ही इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फिनॉल, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या है माइनस एम इफेक्ट लगता है, माइनस एम, ऑर्थो पर भी माइनस एम लगता है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं लगता। और जिस तरह से मेजोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे नंबरिंग इसकी बढ़ती जाती है, नंबर्स उतना ही ये एसिडिक होते जाते हैं, ठीक है। इसीलिए जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल है वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं एज कंपेयर टू फिनॉल। ये सारी चीजें आपने डिस्कशन कर रखी है, हमने डिस्कशन कर रखी है, हमने काफी डिस्कशन किया था इस पर, उसमें पूरी टेबल को हमने डिस्कस किया था, ठीक है। ड्रा द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ द करेस्पॉन्डिंग फिनोक्साइड आयन, फिनोक्साइड आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने अभी अभी कम से कम 3-4 बार तो बनाई ही है, अभी रामाटेमन रिएक्शन में भी हमने बनाया था और कोलबेस रिएक्शन भी बनाया था, ठीक है। तो ये भी आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। अब 11.9 का, राइट द इक्वेशंस इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इक्वेशंस का मतलब क्या होता है, स्टेप्स। बेसिकली हमें क्या करना है, इसकी मैकेनिज्म लिखनी है। तो मैकेनिज्म भी मैंने अभी अभी आपको बहुत अच्छे से समझाया है, तो ये भी आप अपने से करें। ये आपके लिए क्या होगा, आपके लिए दो होमवर्क रहेंगे, कौन से, 11.8 एंड 11.9 HW, ठीक है। तो ये थी हमारी क्या दो रिएक्शंस, नेम रिएक्शन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि आप इन्हीं को रिवाइज करें तो यही आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस में ही आते हैं, नॉट इवन बोर्ड, ये आपको जो है एंट्रेंस एग्जाम्स में भी सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक हैं ये, ठीक है। तो ये थी हमारी कोलबेस रिएक्शन एंड रेमाटेमन रिएक्शन, हमने फोर्थ नंबर पे डिस्कस कर लिया रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स विद जिंक डस्ट, जो डायरेक्टली फिनॉल को बेंजीन में कन्वर्ट कर देता है, OH को ही गायब कर देता है, और ऑक्सीडेशन ऑफ हमने क्या किया है फिनॉल बाय सोडियम कार्बोनेट Na2, सॉरी सोडियम कार्बोनेट नहीं, सोडियम क्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट से हमने किया था, जो कि फिनॉल को डायरेक्टली बेंजोक्विनॉन में कन्वर्ट कर देता है। बेंजोक्विनॉन किस तरह का होता है, बेंजोक्विनॉन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है,
यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ होता है, ये डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, ये होता है क्या बेंजो फिनॉल। तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, सम कमर्शियल इम्पोर्टेंट एल्कोहल्स, कुछ इम्पोर्टेंट कमर्शियल एल्कोहल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, एंड आफ्टर दैट हम ईथर के प्रिपरेशन एंड रिएक्शंस पर चलेंगे, फिर हमारा एल्कोहल एंड फिनॉल तक की चीज़ें खत्म हो जाएंगी। जो मेरा चैप्टर नेम था एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, तो एल्कोहल एंड फिनॉल हमारा खत्म हो जाएगा, बस वही एक पेज बचा है ये थ्योरेटिकल वाला, ठीक है। फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना ईथर, इसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे एंड इसके हाइड्रोलिसिस कुछ रिएक्शंस होती हैं उनको पढ़ेंगे, और फाइनली हम अपने इस चैप्टर को समाप्त करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, टिल दैट थैंक यू सो मच।